इसराइल के लिए इंटरव्यू दिया, ऑफर लेटर भी आ गया, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया। काफ़ी टाइम हो गया, क्या करें। देखिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जितने लोगों के साथ ये सारी सीन हुआ है उनको मैं एक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, और अगर वो किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सारे डिटेल में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके मेरी इस वीडियो से, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखना, ज़्यादा इधर उधर की हम बातें नहीं करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं और हमारा ऑफर लेटर आ गया तो वीज़ा कितना टाइम लग सकता है आने में, ठीक है। तो एजेंट का बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बताया जो गवर्नमेंट के थ्रू जो इसराइल और इंडियन गवर्नमेंट का चला था, ये इंटरव्यू हो रहा था, यहाँ से लोग जा रहे थे। स्टार्टिंग बोला गया था कि 15 दिन के अंदर फ्लाइट होगी और लोग चले जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को लग गया 2 से 3 महीने का टाइम। तो आप एक बात समझ लो कि जब गवर्नमेंट वाले काम में जो है, जो गवर्नमेंट जिसके साथ टाई अप है, इस काम में आपको ऑफर लेटर आने के बाद 2 से 3 महीने का टाइम लग जा रहा है, तो एजेंट लोग आपसे जल्दी कैसे करवा सकते हैं। एजेंट लोगों से आप एक्सपेक्ट मत करिए कि 2 से 3 महीने में वो कर देंगे, या 15-20 दिन में, या महीने दिन बोल रहे हैं तो महीने में कर देंगे। एजेंट लोग जो टाइम लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, वो कुछ नहीं तो 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। वो भले ही आपसे प्रॉमिस कर रहे हो कि आपको हम 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीजा काम कर देंगे, ऑफर लेटर आपका आ जाएगा और आप काम करने के लिए इसराइल जा सकते हैं, भले ही आपसे प्रॉमिसेस करा जा रहा है, आपसे पैसे की डिमांड ज्यादा करी जा रही हो, लेकिन आपको इतना पहले ही केयरफुल रहना है कि अगर आपके पास उतना टाइम है 3 से 6 महीने वेट करने का, तो आप इसराइल जॉब के लिए अप्लाई करो। लेकिन आप सोच रहे हो कि 15-20 दिन में आपका काम हो जाए, तो फिर नहीं होने वाला है। कोई भी एजेंट अगर आपको बोल रहा है तो आप पहले उस एजेंसी के बारे में पता कर लो जिस एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हो, चाहे दिल्ली में एजेंसी हो चाहे मुंबई में हो, जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो पहले वहाँ के जो कैंडिडेट गए आप पता करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप एकदम मत रहो कि आप वहाँ से चले ही जाओगे। और इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम जल्दी जा सकते हैं? जी है, बस जो गवर्नमेंट का चल रहा है उसमें ही आप अप्लाई करिए। इसमें भी 2-3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आपका ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप इसराइल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60-70 हज़ार का खर्चा आएगा। एजेंट के थ्रू जाते हो तो 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपये की चार्ज करी जा रही है। डिपेंड करता है कैसा एजेंट है, कितनी पुरानी उनकी कंपनी है, एजेंसी है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करता है, और कितनी ज़्यादा कंपनियों के साथ उन लोगों ने टाइप कराई, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप और कौन से तरीके से एजेंट लोगों से बच सकते हैं, तो सबसे पहले जो एजेंसी रजिस्टर्ड है आपको उनके थ्रू ही जाना है। अगर वो बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हो जाएगा, तो आपको फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास 5-6 महीने का टाइम है, तो ये आप किसी भी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करो। क्योंकि ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि सबको इतना टाइम लगता है, कुछ लोगों का होता है लक बाई चांस, उनका 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है ऑफर लेटर आने के बाद, वीज़ा आ जाता है, वो चले जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 5-6 महीने, नॉर्मली 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक लग जा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा डिले हो रहा है तो आप अपने पैसे रिफंड मांगिए, या तो उन्हें बोलिए कि आपने हमें बोला था कि आप 4 महीने 5 महीने के अंदर दिला दोगे, 1 महीने के अंदर दिलाओगे, इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, तो आप उनके ऊपर FIR करिए। और अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, इतना याद रखो, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर वो कंपनी फ्रॉड वाली है, स्कैम वाली है, तो जैसे आप FIR की बात करेंगे तो वो बोल देगा बस हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा, उसके बाद हफ्ते 10 दिन वेट करोगे फिर आपको आगे की डेट देगा। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो बस ऐसे ही डेट देगा, लेकिन जब आप जाओगे केस करने तो पता चलेगा कि वो कंपनी ही गायब है। मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर कंप्लेंट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो कंपनी है ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये भी पता करते रहना है कि कहीं ये कंपनी फ्रॉड वाली तो नहीं है। तो अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जा रहा है तो 15-20 दिन और वेट कर लो, 7 महीने देख लो। जैसे आपने 6 महीने देखा, 7 महीने तक भी नहीं आया, तो सीधे आप जाओ थाने पर, पुलिस केस करो कि आपने इस कंपनी को इतना पैसे दिया है और ये लोग आपके पैसे खा के बैठ गए हैं, क्योंकि आपने इन्हें बोला था, उन्होंने आपको बोला था कि 1-2 महीने में मिल जाएगा, लेकिन आज 7 महीने हो गए और अभी तक हमारा वीज़ा नहीं आया, इतने हम पैसे हमसे लिया गया है। तो इस कंडीशन में पुलिस वाले आपकी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं क्या पुलिस वालों को पैसे देना पड़ेगा। देखिए हर जगह की पुलिस ऐसी नहीं होती कि वो आपसे पैसे लें।
कुछ जगह के होते हैं तो थोड़ा बहुत भाई पैसे का आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको किसी भी पुलिस वालों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ मोस्टली पुलिस वाले भाई पैसे नहीं लेते हैं, सभी लोग फ्री में काम कर देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं, कम रेशियो होता है करप्ट होने वालों का, ठीक है, इस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करते हो तो वो लोग उस डायरेक्ट एजेंसी में जाएंगे, वहाँ पर पता करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि आपका जो है मिल जाए पासपोर्ट, अरे पासपोर्ट भी वहाँ जो दिया है आपने वो भी मिल जाए और आपकी पेमेंट भी मिल जाए। उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में केस कर दो उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। तो आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो भाई आप लीगल तरीके से एक्शन ले सकते हैं और आपके एटलीस्ट जो पैसे आपने 4-5 लाख 7 लाख रुपये एजेंट को दिया है वो सारे पैसे आपको रिफंड मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसे ही बोल रहा है भाई बस हो जाएगा जल्दी मिल जाएगा ये है वो है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से कोई चीज़ें नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए 15 दिन के अंदर, भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ कि अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट जो ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लोग जा रहे हैं अगर उनको लग जा रहा है 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जा रहा है तो क्या एजेंट लोग पास वाकई में इतनी पहुँच होगी, इतना वो होगा कि वो लोग आपका विद इन 15-15 डेज 1 मंथ कर लें? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा था कि हमसे प्रॉमिस करा गया था कि हम 1 महीने के अंदर आपको ऑफर लेटर, जॉब ऑफर लेटर और आपको आपका फ्लाइट, आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ करा के दे देंगे। उन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं करा, भाई इतना जल्दी नहीं होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक का टाइम लग जाता है वीज़ा आने में। तो थोड़ा सा पेशेंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करिए, नहीं तो आप अप्लाई मत करिए। और इसराइल क्यों जाना लोग चाहते हैं? क्योंकि इसराइल में 1.5 लाख रुपये महीना मिल रहा है भाई सोचने वाली बात है ना, इंडिया में कहाँ लोग 15,000 20,000 30,000 कमा रहे हैं और वहाँ डायरेक्ट भाई आपके जो है 7 गुना 8 गुना पैसे हो जा रहे हैं, मतलब कहाँ 30,000 कहाँ जाकर वहाँ आपको 1,37,000 मिल रहे हैं प्लस ओटी। और अगर कंपनी अच्छी मिल गई तो 1.5 लाख रुपये कहीं नहीं गया महीने का, और कंपनी बेकार मिल गई तो फिर हो सकता है 50,000 या 1 लाख रुपये आप महीने का कमाओ, क्योंकि ये डिपेंड करता है ओवरऑल कि कैसी कंपनी में आप गए हो, वो कंपनी आपको कितना वहाँ पर काम दे रही है, क्योंकि वो जो सैलरी है वो फिक्स नहीं है, वो जो सैलरी आपको मिलने वाली है वो आपके जितने दिन काम करोगे उसके हिसाब से मिलने वाली है। तो आप यहाँ से अगर जा रहे हो तो इतना याद रखो कि वो मंथली बेस पे आपकी सैलरी नहीं है, वो आपकी जो सैलरी मिलेगी आप जितना दिन काम करोगे उतनी सैलरी। अगर कंपनी के पास लॉन्ग टर्म तक काम रहता है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब डेली अगर काम करते हो तो 1.5 लाख 2 लाख रुपये नॉर्मल कर लोगे, ओटी के साथ ओवर टाइम करते हो तो नॉर्मल तरीके से बस 8 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको 1,37,000 रुपये तक आराम से या फिर 1,20,000 तक आराम से मिल जाएगा। खर्चे की बात करें तो नॉर्मली जो खर्चा इसराइल में होगा 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में जो बजट रहेगा आपका, इसके बीच में ही आपका खर्चा होगा, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा इसराइल में अगर आप स्टे करते हो, रहते हो, खाते खाने पीने खरीदने मार्केट करने का सब कुछ का। अगर बहुत ज़्यादा खर्च करते हो तो फिर वो तो आपके ऊपर है भाई, ये भी कम पड़ जाएगा आप लोग को खर्च के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहिए, और आपके साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एजेंट लोग कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ मैंने आज के इस वीडियो में बता दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपके काम की वीडियो लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं हम आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।